दिनांक 4 दिसंबर 2021। आज के व्हाट्सएप क्विज के टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम सभी क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। वैसे आंसर आपको सभी में दे रखे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन है वो समझाने वाला हूँ। पहला है रिक्त स्थान भरें, क्योंकि 8 प्राप्त होने तक चरण बनते हैं, पुनरावर्त घटाव के अनुसार, इसलिए 64 का वर्गमूल है। तो देखिए, वर्गमूल निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वैसे पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है, 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो क्रमागत 1 से लेकर और विषम संख्या जो होती है उनके जोड़ के बराबर होती है। जैसे मान लो 9 है, 9 का हमें वर्ग निकालना है, तो ये होता है क्रमागत विषम संख्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 इनका योग होता है। तो हमें 64 का वर्गमूल निकालना है, तो क्रमागत जो विषम संख्याएं हैं उनको हम घटाते हुए चलेंगे। सबसे पहले 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 63। 63 में से 3 घटाएंगे, 60। 60 में से 5 घटाएंगे, 55। 55 में से 7 घटाएंगे, 48। 48 में से 9 घटाएंगे, 39। 39 में से 11 घटाएंगे, 28। 28 में से 13 घटाएंगे, 15। और 15 में से 15 घटा देंगे तो 0। तो कितने चरण हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर 8 चरण बनते हैं और वर्गमूल 8 चरण बनते हैं, तो वर्गमूल भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको दी गई है, 25 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आहना ने 25 में से 1 प्रारंभ करते हुए क्रमागत विषम संख्या घटाई और पांचवें चरण पर 0 प्राप्त किया। उसने 25 का वर्गमूल 5 प्राप्त उत्तर प्राप्त किया, क्या कार्य सही है? तो देखिए ऐसे करते हैं, 25 में से 1 घटाएंगे, 24। 24 में से 3 घटाएंगे, 21। 21 में से 5 घटाएंगे, 16। 16 में से 7 घटाएंगे, 9। और 9 में से 9 घट जाएगा तो 0। तो पद कितने हो गए यहाँ पर, 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5। पांचवें चरण में 0 आ गया यहाँ पर, यानी उसका उत्तर क्या है, सही है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर दे रखा है, 36 में से 1 घटाया 35, 35 में से 3 32, 32 में से 5 27, 27 में से 7 20, 20 में से 9 11 और 11 में से 11 0। तो यहाँ पर कितने पद आ गए, 6 चरण आ गए। प्रश्न में क्या दिया गया है, मृणाल द्वारा 36 का वर्गमूल गणना करने की विधि को दिखाया गया, क्या उसका कार्य सही है? हाँ, क्योंकि प्रत्येक वर्ग संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं प्राकृत विषम प्राकृत संख्याओं का योग होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 6400 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, हमें 6400 के टुकड़े करने हैं ऐसे। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 3200। फिर 2 का देंगे 1600। फिर 2 का देंगे 800। फिर 2 का देंगे 400। फिर 2 का देंगे 200। फिर 2 का भाग जाएगा 100 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 50 बार। फिर 2 का देंगे 25 बार। अब 25 में किसका जाएगा, 5 का। 5 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और फिर 5 का देंगे तो 1 बार। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। कितने आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 है वो 8 बार है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2 को 8 बार। और 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 बार यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे ऐसे और सब में से एक एक संख्या लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर कुल कितने समूह बन गए, 5 बन गए। 5 में से हम एक एक संख्या लिखेंगे, तो ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। गुणा करेंगे, 5 × 10, 10 × 20, 20 × 40, 40 × 80। तो ये इसका वर्गमूल हो गया 80, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार इनमें से कौन सा 81 शिशु का वर्गमूल दर्शाता है, तो सेम इसी तरीके से हमें 81 शिशु का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए हम आगे वाले प्रश्न में देखते हैं, 81 शिशु का वर्गमूल निकालने के लिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो आएगा 4050। फिर 2 का भाग देंगे तो 2025। फिर 2 का नहीं जाएगा, फिर हम भाग देते हैं इसमें 3 का। 3 का भाग जाएगा 675। फिर 3 का भाग देंगे तो आएगा
225, फिर 3 का भाग देंगे तो आएगा 75, फिर 3 का भाग देंगे तो आएगा 25, फिर 5 का भाग जाएगा 5, और फिर 5 का भाग जाएगा तो 1। तो इक्यासी सौ की अभाज्य गुणनखंड में 2 है वो एक समूह आ गया, इसका एक समूह आ गया और इसका एक समूह आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्गमूल, यहाँ से एक संख्या आ जाएगी, एक संख्या इससे आ जाएगी, एक इससे आ जाएगी और एक इससे आ जाएगी, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए कथन को पूरा करें 441 का वर्गमूल। तो 441 का हमें वर्गमूल निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। सबसे पहले 3 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा इसमें 147 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 49 बार, फिर 3 का नहीं जाता 7 का भाग जाएगा 7 बार, और फिर 7 का भाग देंगे तो 1 बार। तो यहाँ पर 441 की अभाज्य गुणनखंड हो गई 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, समूह बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 7 यानी 21 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर जो भी दिया गया है देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, दीर्घ भाग विधि का उपयोग करके 144 का वर्गमूल निकालने का अर्जुन का कार्य चित्र में दिखाया गया है, क्या उसका काम सही है। तो वर्गमूल निकालने की भाग विधि क्या होती है, जैसे 144 है, हम इकाई के अंक से समूह बनाएंगे दो दो के, तो यहाँ पर 2 का समूह बन गया, यहाँ पर 1 का समूह बन गया, फिर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो एक जो है यहाँ पर हमें ये देखना है कि किसके वर्ग से ये एक बराबर है या इससे कम है, तो यहाँ पर आएगा एक, यहाँ पर आएगा एक, और यहाँ पर भी क्या जाएगा एक, एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक, घटाते हैं एक में से एक हटाएंगे 0, आगे से 44 हम साथ में लिख देंगे, यहाँ पर एक और एक को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर क्या जाएगा 2, 2 के आगे हम संख्या क्या लिखेंगे 2, ताकि हम गुणा करें तो कितना आ जाए 44, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, तो यानी इसका तरीका क्या है सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1444 का वर्गमूल इसी भाग विधि से निकाला गया है, तो भाग विधि द्वारा 1444 वर्गमूल निकालने का अक्षय का कार्य चित्र में दिखाया गया, इनमें से कौन उसके काम के बारे में सही है, वर्गमूल कितना आया है 38 आया है, तो उसका कार्य सही है 1444 का वर्गमूल 38, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के व्हाट्सएप क्विज के टोटल 8 क्वेश्चन थे जिसको हमने समझ लिया है। अगर किसी प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन समझने में परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।